Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Arihat Siddhi ko bhav vandana शेष तीन सानिध्य सुगम नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम सत्ता को मजबूत करे जो अंदर बाहर एक चरित अंदर बाहर एक चरित अटल कल्पमय अडिग लक्षहित सारे जगहित भाव हरित सारे जगहित भाव हरित छत्तीस गुणधारी आचार्य छत्तीस गुणधारी आचार्य जीवन सच्चा बोले कम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमोकार महामंत्र के तृतीय पद के धारक आचार्य भगवंत जिनकी छत्र छाया में चतुर्विद संग साधु साध्वी सावक साविका आत्मज्ञान की राह पर प्रवृत्त होते हैं ऐसे आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दिव्य भव्य गुणों को चतुर्विद संघ की ओर से हम सब की ओर से भावमय वंदन श्रद्धा समर्पण आगमवाणी और बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम तिन्नाणम तारियाणम बुद्धाणम बोहियाणम इस जिन शासन की परंपरा सदा उज्जवल दीप्तिमान रही है इस दीप्तिमान परंपरा में समय समय पर ऐसे सत्पुरुष इस धर्म ध्वजा को हाथ में लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए दृढ़ संकल्प बल से अपने भीतर बाहर चारों ओर ज्योत जगाते रहे जिन्होंने अपने भीतर भी ज्योत जगाई और बाहर भी ज्योत जगाई ऐसे ज्योतिर्मान आचार्यों में आनंद गुरुदेव का नाम हम सबके हृदयों में अंकित है संपूर्ण जैन समाज के हृदयों में अंकित है चाहे वो स्थानकवासी जैन हो या मूर्ति पूजक गुजराती हो या पंजाबी राजस्थानी हो या महाराष्ट्रियन वे पूरे भारतवर्ष के अंदर पद यात्रा करते करते गए गांव गांव में जाकर के जिन्होंने अलग जगाई लोगों को अज्ञानता से दूर किया उनके गुरुदेव ने उन्हें दृष्टि दी वो युग था जब भारत पराधीन था
और परतंत्रता की पीड़ाओं को कई बार पराधीन व्यक्ति खुद उतना नहीं समझ पाता जितना उस दासता से, उस बंधनों से जो बाहर खड़ा है वो समझ पाता है। शायद पिंजरे के पंछी को नहीं पता कि पिंजरा कितना कष्टदायक है, लेकिन जो स्वतंत्र आकाश में उड़ रहा है उसे पता है कि पिंजरे में बंद पंछी कैसी जिंदगी जी रहा है, उसकी कैसी दुर्दशा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मुक्त गगन में उड़ रहा है ना, उसे पता होता है कि आकाश विराट है, उसे पता है कि आनंद विराट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जो पिंजरे में ही पैदा हुआ है, पिंजरे में ही रह रहा है, उसके पास तुलना कहां से पैदा होगी? दो ही नहीं तो तुलना कैसे? और वो कभी बाहर उड़ा ही नहीं तो उसे पता कैसे कि स्वतंत्रता चीज क्या होती है? कहते हैं एक बार रत्न ऋषि जी महाराज साहब, पूज्यानंद ऋषि जी महाराज साहब और साथ में कुछ और संतगण पद यात्रा करते करते विदर्भ प्रांत में विचरण कर रहे थे। गांव गांव की व्यवस्था को देख करके रत्न ऋषि जी गुरुदेव बोले आनंद ऋषि जी को कि देखो आनंद, ये लोग कैसे पीड़ित है। जिज्ञासु आनंद जब अभी अपनी तरुण अवस्था में ही थे, अभी अपने गुरुदेव की आंखों से दुनिया को देख रहे थे, प्रश्न उठा गुरुदेव ये पीड़ित क्यों है? बोले ये पराधीन है। ये पराधीन क्यों है? कहा इनको ज्ञान ही नहीं कि वो पराधीन है, इसलिए वो पराधीन है। गुरुदेव रत्न ऋषि जी ने कहा इन्हें ज्ञान ही नहीं कि ये पराधीन है, इसलिए पराधीन है। अगर ज्ञान हो जाएगा तो ये पराधीनता से, दासता से मुक्त हो जाएंगे। फिर जिज्ञासु आनंद बोले तो गुरुदेव इनको ये ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? ऐसे है ना, एक तरुण तपस्वी क्या पूछ सकता है? वो कहता है गुरुदेव इनको ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? रत्न ऋषि जी गुरुदेव मुस्कुराए, बोले आनंद ऋषि इनको ज्ञान इसलिए नहीं होता क्योंकि इन सबको अपने अपने स्वार्थ प्रिय है। ये क्वेश्चन हमारे लिए भी तो है, नहीं है? नहीं, ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? हम पराधीनता से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? पहला प्रश्न तो यही कि पराधीनता से मुक्त क्यों नहीं होते, क्योंकि अभी तक पराधीनता पराधीनता लगती ही कहां है जो मुक्ति की बात पैदा हो। हाँ, अभी तक तो ये पराधीनता अच्छी लग रही है, इसलिए मुक्ति की बात पैदा होगी नहीं। और वे लोग जो आकाश में उड़ रहे हैं, वे लोग जो मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, वे लोग जो निर्ग्रंथ हो गए, ग्रंथियों से मुक्त हो गए, उनकी बातें हम सुनते भी हैं, हमें लगता है चलो भैया रहने दो, ये उनकी बातें अपनी नहीं है, ये हमारे लेवल की नहीं है। नहीं, कितने लोग ज्ञानी पुरुषों की बातें सुनते ही तुरंत कहते हैं महाराज साहब हम तो गृहस्थी है, हम आपकी बराबरी कहां कर सकते, इसीलिए आप ये ज्ञान की बातें ना अपने तक ही रहने दो। हम लोग बहुत बहाना बना लेते, लेकिन वे लोग बहुत करुणाशील होते हैं। जो बाहर उड़ रहे हैं ना, वे बहुत करुणाशील है। वे कहते हैं जब हम उड़ सकते हैं तुम भी तो उड़ सकते हो, जब हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, दासता से मुक्त हो सकते हैं, परतंत्रता से मुक्त हो सकते हैं, आप भी तो हो सकते हो। हम भी किसी दिन ऐसे थे, अब हम बदल गए, तुम भी बदल सकते हो। लेकिन विश्वास जागना भी कहां आसान है, क्योंकि जरा सा विश्वास जाग भी जाए ना गुरुओं पर, धर्म पर, तो वो तो ऐसा होता है जैसे हवा का झोंका आया और एक ठंडा पहुंचा के राहत देके चला गया। उसके बाद वापस जिनके साथ रहना है उन्हीं के प्रभावों में बहना है, जिनके साथ रहना है उन्हीं के प्रभावों में तो बहना है, उनसे बाहर चले गए तो उनके साथ कैसे रह पाओगे? इसीलिए लोग अज्ञान में ही रहना पसंद करते,
वो कहते अगर ज्ञान हो गया तो इस गृहस्थ में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए महाराज साहब रहने दो, आँख ही मत खोलो, हमें सोने ही दो। लेकिन कुछ लोग बहुत करुणावान होते हैं, जैसे गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब। रत्न ऋषि जी गुरुदेव ने उनको पहले योग्य बनाया और योग्य बनाने के बाद उन पर दायित्व सौंप दिया। कितना विचित्र है ना, पहले आदमी को योग्य बनाया जाता है और जब वह योग्य बन जाता है तो उसके कंधों पर भार डाल दिया जाता है। और कई लोग कंधों पर भार लेना नहीं चाहते, इसीलिए बोलो, इसीलिए योग्य भी नहीं बनना चाहते। वो डरते हैं कि योग्य बन गए तो कंधों पे भार आ जाएगा। योग्य किसी रूप में बनो, आप धनवान बन गए तो आपके घर परिवार के जो कमजोर लोग हैं ना वो आपके पास आएंगे, हमारी मदद कर दो। आप विद्यावान बन गए, समाज आपसे अपेक्षा करेगा, विद्या का दान करो। आप बलवान बन गए, समाज अपेक्षा करेगा, हमें हमारी सुरक्षा आप करो, नहीं। और जैसे ही ये दायित्व आने लगेंगे, घबरा करके आदमी कहेगा यार अच्छा था मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी जीता, कम से कम लोगों के लिए दिन रात खपाना तो नहीं पड़ता, कम से कम इतने लोगों का काम तो नहीं करना पड़ता। कई लोग ऐसा उल्टा सोचते, उनके लिए वो सुलटा होगा, क्योंकि सुलटा और उल्टा तो सब अपेक्षा भेद से है। अपेक्षा ही तो है सबकी अलग अलग, सोच की सबके एंगल से अलग अलग है, क्या कर सकते हो। गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने ऋषि आनंद को योग्य बनाया और उस विदर्भ प्रांत में विचरण करते हुए लोगों की पीड़ा को दिखलाया। और ये गुरु दिखलाता है शिष्य को, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उठाया और चंद्रगुप्त को योग्य बनाया, अस्त्र शस्त्र संपन्न बनाया, बलवान बनाया, उसकी आत्मा को मजबूत बनाया और उसके बाद में गांव गांव पैदल घुमा घुमा कर उसको गांव वालों की त्रासदी दिखलाई, पीड़ा दिखलाई, विषमताएं दिखलाई, लोग कैसे दुर्दिन काट रहे हैं वो अवस्थाएं दिखलाई। ऐसे ही रत्न ऋषि जी ने गुरुदेव आनंद ऋषि जी को अंगुली पकड़ करके चलाया और फिर गांव गांव में ले जा करके दिखाया, देखो आनंद। वो जिज्ञासु आनंद फिर सवाल करता है तो गुरुदेव ये स्वार्थ भरी सोच इनकी कैसे छूट सकती है, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये स्वार्थ है इस वजह से इनको ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं है इसीलिए ये पराधीन रहते हैं, और ये पराधीन है इसीलिए ये लोग परेशान रहते हैं। भाई सारी परेशानी कहां से, पराधीनता से, और पराधीनता अज्ञान से, अज्ञान क्यों, क्योंकि स्वार्थ है, तो ये स्वार्थ कैसे छूट सकता है, प्रश्न उठा हमारे में भी, ये स्वार्थ कैसे छूट सकता है, छूट गया हमारा, नहीं छूटा ना, नहीं छूटा ना। और देखो ना स्वार्थ है वही तो सारी परेशानी है, स्वार्थ है इसीलिए तो सारे कलह क्लेश है। स्वार्थ ना हो तो कोई कलह क्लेश होता है क्या। गुरुदेव आनंद के भीतर ज्योत जागी, उन्हें समझ में आया कि जब व्यक्ति अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित ईगोस्टिक होता है, तो वो हर सुख अपनी ओर पाना चाहता है, और जब वो हर सुख अपनी ओर खींचना चाहता है, हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, हर व्यक्ति का सम्मान अपनी ओर खींचना चाहता है, तब लोग उससे खींचते चले जाते हैं और खींचते चले जाते हैं। और जो लोग खींचते हैं वे लोग खुद दुखी रहते हैं, और जब आदमी दुखी हो जाता है किसी के अहंकार को देख करके, तब क्या देता है उसको, दुखी आदमी अहंकारी आदमी को क्या देता है। अगर हम दुखी हो और हमारे सामने कोई अहंकारी आदमी हो, कोई स्वार्थी आदमी हो, और वो बहुत सुखों में जी रहा हो, हम उसको क्या देंगे। हाँ सही बोल रहे हो, हम क्या देंगे उसको, हम उसको बद्दुआ देंगे, क्या देंगे, बद्दुआ देंगे। इसका ऑपोजिट चलो, जब एक आदमी में अहंकार नहीं हो,
स्व केंद्रित नहीं हो, इगोइस्टिक नहीं हो, उसमें परमार्थ की भावना हो, समर्पण की भावना हो, अब वो सुखी है क्योंकि वो जिसमें जैसा हाल में है उसमें मस्त है। अब उसके पास में कुछ और लोग है, उसकी जिंदगी में भी लोग आते हैं, कुछ सुखी आते हैं, कुछ अति सुखी आते हैं, कुछ दुखी आते हैं, कुछ अति दुखी आते हैं, वो सबको क्या देता है? वो सुखी आदमी को देख करके दुआ देता है, प्रमोद भाव देता है, साधुवाद धन्यवाद देता है, और वो दुखी आदमी को देख करके अपने हृदय से प्रेम देता है, उसके हृदय से करुणा प्रवाहित होती है ना। हम लोग धार्मिक है या नहीं ये बात तो बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि हमारे में से जो निकलती है वो भावनाएं क्या है, वो तरंगे कौन सी है, दुआ की है, प्रेम की है, करुणा की है, तो हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, स्वाधीनता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारे में से निकलने वाली भावना ऐसी है जिसमें कहीं भी नेगेटिविटी है, कहीं भी बद्दुआ है, कहीं भी स्व केंद्रित अवस्था है, बस मैं मेरा, वहां कभी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। तो आनंद ऋषि जी गुरुदेव को तब रत्न ऋषि जी गुरुदेव ने यह दर्शन दिया कि देखो मुनि आनंद, आदमी दुखी है, अज्ञान में है इसलिए, और दुखी इसलिए है क्योंकि वो स्वार्थी है इसलिए। तो गुरुदेव आनंद ने कहा कि भगवान वो स्वार्थ मुक्त कैसे हो सकता है, कोई आदमी को स्वार्थों से मुक्त कैसे किया जा सकता है, कैसे है कोई उपाय कि आदमी इगोइस्टिक ना रहे, अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित करना ना चाहे, स्वार्थ मुक्त हो जाए, क्या उपाय है? हाँ, रत्न ऋषि जी ने कहा कि ऋषि आनंद, इसके लिए तुम्हें लोगों के पास जाना होगा और उनको सम्यक ज्ञान देना होगा, ज्ञान देकर के ये बात बतलानी होगी कि ये जो मानव का जीवन मिला है वो अपने अहम को पोषित करने के लिए नहीं मिला है, और इन लोगों को आपको सेवा में प्रवृत्त करना होगा। जब एक आदमी सेवा में प्रवृत्त हो जाएगा उसका स्वार्थ घटता जाएगा। जब तक आदमी सेवा में प्रवृत्त नहीं होता अहंकार मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है। किसी भाई ने मुझे बताया था एक साल पहले कि एक बार पूना श्री संघ गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव आप पूना पधारो, आपका हम जन्म दिवस पूना में मनाना चाहते। गुरुदेव बोले मेरा जन्म दिवस मना के क्या कर लोगे? बोला हम विशाल रूप से जनता इकट्ठी होगी, सबका भोजन होगा, गुणगान होगा, बहुत हमें आनंद आएगा, आप पधारो। गुरुदेव बोले कि पूना के राह तक आते आते रास्ते में इतने सारे गांव हैं जहाँ लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, जहाँ लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, जहाँ कितने अनाथ रह रहे हैं, जहाँ गांव-गांव में बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, क्या उनके लिए आप लोग कुछ करोगे? है ना? और तब से आपके यहाँ कितनी संस्थाएं बन गई, आनंद सेवा ट्रस्ट, वीतराग सेवा ट्रस्ट, न जाने कितनी संस्थाएं उस गुरुदेव की प्रेरणा से बनी। क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा, जिसको जो जरूरत है उसके लिए अपना स्व समर्पित करो, जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा का दान दो, जिसको सुरक्षा की जरूरत है उसको सुरक्षा का दान दो, जिसको हाथ की जरूरत है उसे हाथ पकड़ करके अपना साथ दो। आज सैकड़ों संस्थाएं उनके माध्यम से खुली। फिर उन्होंने देखा कि जब एक व्यक्ति की पहले भूख भोजन तृप्त हो जाए तब बुद्धि चलती है, तब उसको सही शिक्षण और प्रशिक्षण दो। तो उन्होंने पूरे चतुर्विध संघ के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करी। फिर उन्होंने देखा कि जब तक सही शिक्षा नहीं होगी
चाहे वो साधु साध्वी क्यों ना हो, इनके पास जब तक जैनागमों का सही ज्ञान ही नहीं पहुंचेगा, तब तक जन सामान्य को ज्ञान देने वाले वो साधु साध्वी अगर वो तैयार नहीं होंगे तो जन सामान्य तक ज्ञान कैसे पहुंचेगा। तो देखो उन्होंने पाथरड़ी बोर्ड की स्थापना की। ये किसी भांति जैनागमों का ज्ञान हर प्रकार के वैरागी वैरागी साधु साध्वी सब तक पहुंचे। यूं ही नहीं कोई युग पुरुष हो जाता, यूं ही नहीं कोई राष्ट्र संत कहलाता, यूं ही नहीं रत्न ऋषि जिसे शिष्य बनाए वो रत्नवान ना बने, ऐसा कैसे हो सकता। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव आनंद के भीतर गुरुदेव रत्न ऋषि जी ने भरी वो ये थी कि सबको साथ लेकर चलना। खुद का कल्याण बहुत आसान है लेकिन सबको साथ लेकर के चलना आसान है क्या? आप लोग अपने एक परिवार को लेकर चलते हो, उसमें भी कितने लोगों की सुननी पड़ती है ना, कब किसका मूड खराब हो जाए, कब कौन चलते चलते बैठ जाए और कब कौन अपनी स्पीड बढ़ा ले, पता ही ना बताए कि कब वो स्पीड बढ़ाने वाला है। और अचानक कोई गाड़ी तेज कर देना तभी पीछे बैठने वाले एकदम चक्कर खा जाते। पर गुरुदेव आनंद ऋषि जी ने इतना धैर्य पाया, इतनी गंभीरता पाई कि कैसे सबको अपने में समा लेना। जैसा एक आचार्य का, एक गण के प्रमुख का, गणधर का, गण को धारण करने वाले गणधर, गण प्रमुख कह दो, ग्रुप लीडर कह दो और उसको गणेश कह दो, गण का ईश कह दो, एक ही बात है। पहले इस जिन शासन की परंपरा में गणधर हुआ करते थे, गणधर के बाद में उनके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य आए, तो गणधर का ही प्रतिनिधि है, इसलिए गणधर कहो आचार्य कहो एक ही बात है। वो पूरे ग्रुप को धारण करता है, उसमें क्या विशेषता होती है जो पूरे ग्रुप को लेकर के चलता है, जो गण का प्रमुख है, गण का ईश है, गणेश है, उसमें क्या विशेषता होती है? देखा ना, हम सब ने गणेश जी को, महाराष्ट्र में गणेश जी सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, यहां से पूजा की शुरुआत हुई थी। ये गणेश की पूजा, ये गणेश की पूजा का मतलब क्या है? गणेश कोई एक देवता हो ऐसा नहीं है, जैसा कि हम लोग नॉर्मली सोचते कि गणेश कोई देवता का नाम है, कोई गणपति एक देवता है, नहीं। गणेश का मतलब है जो गण का ईश है, गण का स्वामी है, ग्रुप का लीडर है। उसमें क्या विशेषता होती है कि वो सबकी सुनता है, कान बड़े, जो भी आओ दे जाओ, निंदा दे जाओ, तारीफ दे जाओ, फूल दे जाओ, शूल दे जाओ, सबको सुन के लेता है, इसलिए कान बड़े। और हमारे यहाँ एक ही बात है कि अगर किसी ने हमारी सुन ली ना, वो आदमी सही है। सही आदमी की परिभाषा क्या है? तुमने हमारी सुनी ना, बस बहुत है, नहीं? और तुम सुनते ही नहीं हो, बस एक ही शिकायत काफी है, तुम सुनते ही नहीं हो, गए, लिस्ट से निकलना स्टार्ट हो गए। तुम सुनते हो, अच्छे हो। तो राजा की विशेषता क्या, संघ प्रमुख की विशेषता क्या, घर के प्रमुख की विशेषता क्या, समाज के प्रमुख की विशेषता क्या, जो घर का मुखिया है, समाज का मुखिया है, साधुओं का मुखिया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबका सुनता है ना। माँ भी तो सारे बच्चों की सुनती है, बड़ा कहता है छोटे के बारे में, छोटा कहता है बड़े के बारे में, माँ दोनों को कहती हाँ भाई तू भी सही, हाँ भाई तू भी सही। वे बच्चे कहते हैं फिर माँ मैं सही कि वो सही? बेटा दोनों ही सही हो, सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग है, एंगल्स अलग अलग है। तो आचार्य आनंद ऋषि जी की क्या विशेषता, संगठन कैसे खड़ा किया? क्योंकि उन्होंने सबकी सुनी। दूसरी विशेषता क्या, सुनते सबकी है लेकिन देखते अपनी आंखों से है, सूक्ष्म निगाह, पैनी दृष्टि। इसीलिए गणपति की आंखें छोटी होती है, कान बड़े होते हैं। और तीसरी महान विशेषता क्या, उनकी नासिका के साथ में सूंड लगी होती है
और सूंड की विशेषता क्या होती है कि वो बहुत गहरे से सबकी गंध ग्रहण कर लेती है, वो सबका ऑरा पहचान लेती है कि कौन अंदर क्या कह रहा है, बाहर क्या कह रहा है, किसके भीतर क्या चल रहा है, वो सबके भीतर की सुगंध को दुर्गंध को भांप जाती है। सबके भीतर क्या चल रहा है वो भांपने की क्षमता गणेश में है। गणेश यानी देवता नहीं, गणेश का मतलब ग्रुप का लीडर। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को सिंबलाइज करके गणपति की मूर्ति बनाई गई, वरना एक आदमी कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो हाथी की तरह सूंड भी रखे, पेट भी बड़ा रखे और पैर इतने छोटे रखे और चूहे पे सवारी करे। जरा सोचो ना, कोई हाथी चूहे पे सवारी कर सकता है क्या? बेचारे चूहे का तो कचूमर ही निकल जाएगा। लेकिन इस सबके पीछे कोई कारण है। क्या कारण है वो हम जानते हैं कि क्या विशेषता होती है गणधर में, क्या विशेषता होती है गण प्रमुख में, एक आचार्य में, और कैसी वो विशेषताएं हमने आनंद ऋषि जी गुरुदेव में पाई। अपनी आंखों से सूक्ष्मता से निरीक्षण करते, कान से सबका सुनते और पेट में सबको पचा लेते, हजम कर जाते, जिसका डाइजेशन पावर फुल हो, स्ट्रांग हो, वही व्यक्ति बड़ा बन सकता है। जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो बड़ा नहीं बन सकता। हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कि एडजस्ट करते हैं? क्या करते हैं जी? एडजस्ट ही करते हैं। हाँ, कि डाइजेस्ट कर जाते हैं, पीछे के लोग एडजस्ट करते हैं, बड़े लोग डाइजेस्ट करते हैं। अभी देख लो, आप लोगों को बड़ा आदमी बनना है ना, तो डाइजेस्ट करना तो सीखना होगा ना। ये छोटी छोटी बातों में शिकायत जो आदमी करता है वो डाइजेस्ट नहीं करता, जो सारी शिकायतों को अंदर पचा जाता है वो व्यक्ति डाइजेस्ट करता है। वो सबको लेता है, लेकिन सबको लेकर के बढ़िया खाद बनाता है, बढ़िया माल बनाता है, वापस सबको पोषण देना जानता है। ये उसकी विशेषता होती है। वो सबको अंदर पचा लेता है, किस समय किसको कहाँ कैसे शिक्षा देनी है, कहाँ कैसे दृष्टि देनी है, वो दृष्टि देना जानता है। पहले सबकी बुराइयाँ भी पचा लेगा, उसके बाद कब किसको कैसे टकोरना है वो टकोरने की कला जानता है। इसीलिए वो आचार्य होता है, इसीलिए वो संघ का प्रमुख होता है, इसीलिए वो संगठन का प्रधानमंत्री होता है। ये विशेषता थी गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब में। देखो, एक गणेश, एक गणपति चूहे पे सवारी कैसे करता है? चूहा मतलब क्या? चूहा मतलब क्या? देखो, एक चूहे की विशेषता है कि ऊपर से बिल्डिंग कितनी मजबूत हो, है ना, चूहा क्या करता है, वो अंदर से सारे रास्ते बना लेता है। वो ऊपर से रास्ते नहीं बनाता, वो ऊपर तो बहुत कम आता जाता है, ऊपर आता जाता थोड़ा सा रहता अपने गुफाओं में है, और गुफा से वो एकदम टनल बना लेता है, कहाँ से कहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो गणेश होता है ना, वो क्या करता है, आप ऑफिस में बैठते हो, आप में से अधिकांश लोग अपने अपने कार्यस्थल पर बॉस हो ना, आप ऑफिसर लोग, बॉस लोग पूरी फैक्ट्री में दिन भर घूमते रहते हो या अपने कैबिन में बैठे रहते हो? हाँ, अपने कैबिन में बैठे रहते हो, कैबिन में बैठ करके पूरे फैक्ट्री का होल्ड रखते हो। आजकल तो आपके पास में वो कैमरेज आ गए, फिट कर लेते हो, सीसीटीवी लगा रखी है सब जगह। पहले क्या होता था, वो जो गणपति है, गणेश है ना, वो स्थिर रहता है, एक ही आसन पे बैठा रहता है, इसलिए भी मोटा हो जाता है ना, एक ही जगह बैठा रहता है। लेकिन वो अपने चूहे रखता है, चूहे बोले तो CID, वो जाते हैं लोगों में घुल मिल जाते हैं, समाचार लाते हैं और सारे समाचार अपने गणपति को, मालिक को दे देते हैं। इसीलिए वो वाहन है, वाहन बोले तो यात्रा जिसके माध्यम से होती है, तो वो खुद चल के नहीं यात्रा करते, बस उनके वाहन होते हैं, वो यात्रा करके आ जाते हैं और वो आकर के समाचार दे देते हैं और वो बैठ करके अपना राइट डिसीजन लेते हैं। लेकिन गणपति को अगर प्रसन्न करना हो तो क्या चाहिए?
किसका प्रसाद चढ़ाते हो? मोदक का। मोदक का ही क्यों, कोई और कुछ नहीं क्यों? बर्फी नहीं, कतली नहीं, ये मोदक ही क्यों? हलवा नहीं, ऐसा क्यों? सोचा कभी गणपति को मोदक पसंद क्यों? बाबा गणपति को मोदक ही क्यों पसंद है? मोदक में ऐसी क्या विशेषता है, कोई बता सकता है? गोल है, गोल तो और भी कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन मोदक ही पसंद है उनको। बहुत गहरा राज है इन सबके पीछे। और भारतीय संस्कृति में इतनी विशेषता है, हर चीज प्रतीकों में, कहानियों में, चित्रों में दे दी गई, लेकिन उसके पीछे बहुत रहस्य है। क्यों गणपति को मोदक पसंद है? क्योंकि मोदक की विशेषता है हर कण मीठा, प्रत्येक कण मीठा, लेकिन प्रत्येक कण को उनका मीठापन आपस में जोड़ करके मोदक बनाया गया। एक एक कण को जब संयुक्त कर दिया तो मोदक बना। हम सब एक एक इकाई है ना? जनता प्रजा एक एक इकाई है। आपके अंडर हैंड सब एक एक इकाई है। आपके नीचे 100 लोग काम करे, 1000 लोग काम करे, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके नीचे करोड़ों लोग है। करोड़ों लोग एक एक इकाई है। लेकिन गणेश कब खुश होगा? उसको राजी करना है तो उपाय क्या है? तुम एक एक इकाई संयुक्त हो जाओ, वो खुश। तुम एक एक इकाई बिखर जाओ, अब आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। उसकी कृपा चाहिए तो मोदक रखो। यानी कि अगर संघ प्रमुख की कृपा चाहिए, आचार्य की कृपा चाहिए, बॉस की कृपा चाहिए, तो आप सब एक होकर के रहो तो उनकी कृपा रहती है। लेकिन आप सब टूट जाते हो। आप देखो ना, घर में दादाजी बैठे हो, उसके बाद दादाजी के 3 बेटे हो, फिर 3 बेटे के वापस 2-2 3-3 बेटे हो, दादाजी कब खुश? जब घर में सारे लोग एक हो। दादाजी कब ना खुश? जब तुम लोग आपस में लड़ते हो, है ना? तो दादा को खुश करने के लिए क्या चाहिए? रोज लड्डू खिलाओ, खुश नहीं होंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन रोज लड्डू की तरह बन करके उनके पास आओ, मिलजुल करके साधना करो, मिलजुल करके भक्ति करो, मिलजुल करके उनकी आज्ञा का पालन करो, मिलजुल करके उनके पास बैठो, वो खुश। तो गणपति को क्या पसंद है? मोदक। आचार्य को क्या चाहिए? संघ में एकता हो। और यही तो गुरुदेव आनंद ऋषि जी का पूरा मनोभाव था। वे एक ही बात कहते थे बार बार, हर गांव में जाकर के, संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की वीणा बजने दो, मोहे मधुर मधुर सुन सुनने दो, मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो, संगठन की वीणा बजने दो, संगठन की वीणा बजने दो, मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो। उनकी गहरी भावना थी कि सब संगठित हो जाए। इतना विराट दिल है उनका, और उनके भाव सफल होते, घर के मुखिया के भाव सफल होते। जिसमें सद्भाव है वे सद्भाव भी सफल होते हैं, और किसी व्यक्ति के अगर बुरे भाव हो तो वो भी सफल हो जाते। भाव विज्ञान तो सीधा सीधा है। आचार्य आनंद ऋषि जी गुरुदेव के भाव थे, ये सब संगठित हो, इसीलिए पूरा भारतवर्ष उनकी छत्र छाया के तले संगठित हुआ, श्रमण संघ निर्मित हो पाया। बहुत सारी यात्राओं से गुजर करके, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव चलता रहा, लेकिन वे कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं, कभी रुके नहीं। हौसला उनका मजबूत था, क्योंकि उनके भीतर में आत्मविश्वास गहरा था, उनके ऊपर उनके गुरुदेव की कृपा पूरी थी। और जिसने अपनी जिंदगी में शिष्यत्व अवस्था में पूर्णता से शिष्यत्व को जिया हो,
वो जब गुरु भी बनता है तो पूर्णता से गुरु पद के योग्य गुरु बन पाता है। जैसे जो बॉस बना है, जो सेठ बना है, जो मालिक बना है, वो मालिक बनने से पहले अगर किसी मालिक की आज्ञा में पूर्ण समर्पित रहा हो तो वो जब मालिक भी बनता है तो वो एक श्रेष्ठ मालिक बनता है। शिष्य हुए बिना गुरु होने की यात्रा कैसे संभव होती है? आनंद ऋषि जी गुरुदेव अपनी जिंदगी के बहुत सारे प्रारंभिक वर्षों में अनेकों तरह की सामाजिक परिस्थितियों से, विषमताओं से रूबरू हुए, लेकिन उन्होंने ज्योत अपने भीतर भी जगाई और बाहर भी जगाई, और वही ज्योत जागृत होकर के सारे साधु साध्वियों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, बोध दिया, खुद भी तेरे औरों को भी तारे। नमोकार महामंत्र के पांच पद होते, पांचों पदों में अरहंत और सिद्ध जो है वे हमारे लिए प्रत्यक्ष समक्ष नहीं होते, हर वक्त नहीं होते, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे सामने मिल जाते हैं। आचार्य भगवंत सिद्धों के प्रतिनिधि कहलाते हैं और उपाध्याय भगवंत अरहंतों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। क्यों भला, ऐसा क्यों? सिद्ध दर्शन दाता है, आचार्य भी दर्शन देते हैं, दृष्टि देते हैं। वो दृष्टि देते हैं कि कैसे जीना कि आप स्वार्थ मुक्त हो सको, परमार्थ युक्त हो सको। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धों से हम सिद्धि की, सिद्धि दर्शन की मांग करते हैं कि हमें सिद्धत्व को देख सकूं, ऐसी दृष्टि देना। आचार्य भी दृष्टि देते हैं, विवेक देते हैं। अरहंत हमें ज्ञान देते हैं, अरहंतों की वाणी का शरणा होता है, केवली पनत्तम धमम शरणम पवज्जामि। अरहंतों की वाणी धर्म कहलाती है, उसकी शरण में हम लोग समर्पित होते हैं। और अरहंतों की वाणी, अरहंतों के जाने के बाद उनकी वाणी का ज्ञान हमें उपाध्याय भगवान देते हैं, वे हमें पढ़ाते हैं, वे हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए अरहंतों के प्रतिनिधि उपाध्याय और सिद्धों के प्रतिनिधि आचार्य होते हैं। तो जब हम आचार्य भगवान की आराधना करते हैं तो वो कैसे की जाती है? आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहा करते कि आचार्य की आज्ञा का पालन किया जाता है, उपाध्याय की परियुपासना की जाती है, उपाध्याय के तो समीप बैठ करके उनका ज्ञान पाया जाता है, और आचार्य के पास हर वक्त नहीं बैठना होता है। आचार्य से केवल आज्ञा प्राप्त करो और फिर उस आज्ञा का पालन करो। आचार्य की आज्ञा की आराधना उपाध्याय के ज्ञान की, वाणी की आराधना होती है, परियुपासना की जाती है। और जब एक व्यक्ति आचार्य और उपाध्याय के समीप रह करके अपने आप के भीतर को परिमार्जित करता है, रिफॉर्म करता है, शुद्ध करता जाता है, अपने अंदर की सारी ग्रंथियों को खोलने का रास्ता पाता और साधना करता है, तो वह साधु होता है। वह साधु चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास अवस्था में हो, जो भी ज्ञान पाकर के, दर्शन पाकर के अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है, उसकी जिंदगी में आचार्य और उपाध्याय प्रकट हो जाते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी गुरुदेव इन अर्थों में एक समर्थ आचार्य हुए कि जिन्होंने लोगों को दृष्टि दी और लोगों की सृष्टि को सुंदर बनाया। हम सबको उन्होंने वह बोध दिया कि हम सबके भीतर में शोध जागा, विवेक जागा, और उसी विवेक के प्रकाश में आज ये श्रवण संघ सदा आगे बढ़ रहा है। हम सब यही भावना भाते हैं कि हे आचार्य आनंद ऋषि जी गुरुदेव, जिसे आपने अपने जीवन में सारे प्रयास करके संगठन बनाया, अपनी भाव शक्ति से पूरे जैन समाज को, जैन समुदाय को आपने मार्गदर्शन दिया, ऐसा मार्गदर्शन आपका हम सबको सदा मिलता रहे। आप आज दिव्य लोकों में होते हुए भी अपनी दिव्य दृष्टि से हम सबके ऊपर कृपा बरसाना, चतुर्विध तीर्थ के अंदर पारस्परिक एकता बढ़े, सद्भावना बढ़े, सेवा भावना बढ़े, स्वार्थ भावना हट जाए, समाप्त हो जाए, हम सबके जीवन में वह रूपांतरण आए कि हमारे भीतर भी आनंद ही आनंद हो जाए, हम सबके भीतर आनंद ही आनंद हो जाए। अंत में गुरुदेव के चरणों में
हमारी छोटी सी भावना, आपने चेला बनाया मेहरबानी आपकी, आपने चेला बनाया मेहरबानी, मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी, मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी, आपने चेला बनाया मेहरबानी आपकी। एक साथ गाएंगे, आपने चेला बनाया मेहरबानी आपकी, आपने मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी, मैं तो इस काबिल न था, आपने चेला बनाया। जय हो, जय हो, जय हो।